on behalf of Geeta Ratan International Business School, welcome you all to today's event, Mindful Meditation, a celebration of International Yoga Day. The NSS unit of GIBS is very happy to collaborate with Sahaj Yoga Meditation Group for our today's event. Sahaj Yoga is a foundation which imparts knowledge and practice of Sahaj Yoga as a method of living. So, from the Sahaj Yoga Meditation Group, we have with us Shri Hari Naresh Ji. I would request Director Sir to present a green welcome to our guests. Thank you, sir. Without much ado, I would request Shri Hari Naresh Ji to take the session forward and start with the meditation. थैंक यू। तो हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, सहज योग मेडिटेशन। सहज योग मेडिटेशन है क्या, इसे जानना बहुत आवश्यक है। सह मायने साथ में और जय मायने जन्ना। जो चीज आपके साथ जन्नी है उस चीज के साथ आपका योग। जैसे कि आपने देखा होगा बचपन में, तालू भाग में ये हड्डी हमारे यहाँ पर फ्लैक्चुएट करती है, बचपन में सभी की करती है। तो वो एक परमात्मा से जुड़ाव है। जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, दुनिया को जानने लगता है, ये हड्डी जो है टाइट होने लगती है, कैल्सिफाइड हो जाती है और वो परमात्मा से धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है। फिर वो जानने लगता है ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। जब वो जानने लगता है तो फिर उसके अंदर अहम, मन और अहम आता है। जैसे वो जानना शुरू कर देता है तो इसलिए उसका परमात्मा से कटाव हो जाता है। और जैसे कि अभी ये बॉडी देख रहे हैं, ये पीले रंग की, इसमें हमारे शरीर के अंदर तीन नाड़ियां और सात चक्र हैं। तीन नाड़ियों का मतलब ये है कि जो हमारी नीले रंग की नाड़ी है वो इंद्रा नाड़ी है, इसे हम चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। जो पीले रंग की नाड़ी है उसे पिंगला नाड़ी बोलते हैं, सूर्य नाड़ी है। और जो बीच में हम मध्य में देख रहे हैं सफेद रंग की, वो सुषुम्ना, इसे हम आज के युग में भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान भी कह सकते हैं। वर्तमान वाली जो वाइट है इसे हम वर्तमान कह सकते हैं, यानी प्रेजेंट। तो आप देख रहे होंगे ये नाड़ी, नीले रंग की नाड़ी हमारे लेफ्ट साइड में होती है और पीले रंग की नाड़ी ये हमारे राइट साइड में होती है। जो नीले रंग की नाड़ी है ये हमारी इच्छा नाड़ी है, क्योंकि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमारे अंदर एक इच्छा का होना बहुत आवश्यक है। और जो पीले रंग की नाड़ी है ये कार्य नाड़ी है, इच्छा तो कर ली लेकिन कार्य भी होना चाहिए, नहीं तो वो व्यर्थ हो जाएगा। और जो संतुलन का जो हमारे पास जो पार्ट है वो मध्य नाड़ी है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें चित्र। इच्छा शक्ति जो हमारे जो नीले रंग की नाड़ी है, इसके अंदर हमारा संस्कार है और हमारी इच्छाएं हैं। तो सबसे पहले हम इनको संतुलन करते हैं अपने अंदर। श्री माता जी निर्मला देवी, ये इसकी संस्थापक हैं सहज योग की, और जो भी घटना घटनी है वो इन्हीं के चित्र के द्वारा घटती है। जो भी अंदर शक्ति हमारे अंदर बहती है, जो भी अनुभव हुआ वो इन्हीं के माध्यम से हुआ। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड अपना इनकी ओर करेंगे और राइट हैंड जमीन की ओर करेंगे, सभी करें इसको। और शूज अपने अगर जो उतार लें तो पृथ्वी के ऊपर रख लें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। इस प्रकार से हाथ का पल्ला पीछे की ओर, उंगलियां खुली हुई और राइट हैंड श्री माता जी की ओर। यहाँ पर हम कुछ हम प्रार्थना कराएंगे और फिर दोनों हाथ श्री माता जी के सामने इस प्रकार से लेके हम प्रार्थना करेंगे। तो ये क्रिया अगर हम आंख बंद करके करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, ताकि हमारा जो माइंड है वो इधर उधर ना जाए। चश्मा वगैरह यहाँ पर हम
शिव माता से भी प्रार्थना कर सकते हैं या पृथ्वी माँ से भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। श्री माता जी कृपया करके मेरी लेफ्ट साइड को संतुलन प्रदान कीजिए। तीन बार प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी मनी मनम प्रार्थना करें, कृपया करके मेरी लेफ्ट साइड को संपूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। हे पृथ्वी माँ कृपया करके मेरी ईड़ा नाड़ी को संतुलन प्रदान कीजिए। या प्रार्थना भी कर सकते हैं, अभी आपके हाथ से कुछ ठंडा या गर्म महसूस कर पा रहे होंगे, लेफ्ट हैंड से कुछ ठंडा आ रहा है, राइट हैंड से कुछ गर्म निकल रहा है, तो ये भी प्रार्थना कर सकते हैं। श्री माता जी कृपया करके आप मुझे शुद्ध इच्छा दीजिए। और जो भी मेरी अशुद्ध इच्छाएं हैं उन सबको आप पृथ्वी माँ में निकाल दीजिए। श्री माता जी कृपया करके मुझे शुद्ध इच्छा दीजिए। और जो भी मेरी अशुद्ध इच्छाएं हैं उन्हें आप पृथ्वी में निकाल दीजिए। अब अपना राइट हैंड श्री माता जी की और लेफ्ट हैंड कोहनी से मोड़ते हुए आकाश की ओर कर रहे हैं। हाथ का पल्ला पीछे की ओर, उंगलियां खुली हुई। यहां पर हम प्रार्थना करेंगे आकाश से कि आकाश कृपया करके आप हमारी राइट साइड को संतुलन प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपया करके आप हमारी राइट साइड को संतुलन प्रदान कीजिए। जो भी हमारी कार्य करने में गर्मी जो है उसको संतुलन प्रदान कीजिए। जो भी आपके हाथों से गर्मी निकल रही है लेफ्ट हैंड से आकाश की ओर, तो फिर दोबारा से प्रार्थना करें। श्री माता जी कृपया करके मेरी राइट साइड को संपूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। दोनों हाथ हृदय लेवल पे आप बंद रखें। यहाँ पर प्रार्थना करें श्री माता जी कृपया करके आप मुझे संपूर्ण संतुलन प्रदान करने की कृपा दीजिए। तीन बार प्रार्थना करें। श्री माता जी कृपया करके मुझे संपूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए।
श्री माता जी कृपया करके मुझे संपूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। कैसा महसूस कर पा रहे हैं? आप आराम से रख लीजिए बैठ पर। कैसा महसूस कर पा रहे हैं आप लोग? पहले से बैठ रहे हैं? कुछ शांति है मन में? ठहराओ, अब सोच के देखिए, आप अपने घर की तरफ चित्र डालिए, कुछ आपको याद आ रहा है? कुछ कोशिश करिए। नहीं आ रहा, अधिकतर नहीं आ रहा होगा। ये ऐसा क्या हुआ आपके साथ? क्योंकि आपने स्वयं से प्रार्थना की है, बहुत ईमानदारी के साथ अपनी आत्मा से प्रार्थना की है। शुद्ध इच्छा का मतलब है परमात्मा की जो शुद्ध इच्छा है वो आपके अंदर स्थापित हुई। बॉडी शक्ति जो हमारे अंदर जो आगे कर दीजिए, आप हमें शुद्ध इच्छा दीजिए, केवल यही प्रार्थना की। जैसी वो शक्ति ने सुना वैसी वो शक्ति जागृत हुई और आपको थॉटलेस की स्थिति में ले आई, निर्विचारता। और कोई भी कार्य करने के लिए निर्विचारिता बहुत जरूरी है। जब तक आप निर्विचार नहीं होंगे तो कोई भी कार्य डिलीवर नहीं हो सकता। आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे के अंदर जब तक वो चीज सुनने की कैपेसिटी नहीं होगी, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी क्लास में 90% भी आते हैं, उसी में 30% भी आते हैं, 100% भी आते हैं। आपके बोलने में कमी नहीं है, बच्चे अंदर से अशांत हैं। आप बहुत ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए उनसे, केवल जो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं आप उनको दे रहे हैं, लेकिन बच्चों में वो पावर नहीं है वो आपकी बात को सुन सके। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सवाल जवाब करेंगे तो पता लगेगा कि हाँ भी हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो ये देखिए कि आपको लेफ्ट और राइट में जो कुछ ठंडक महसूस हुई, हाथ उठा के बता सकते हैं ना? किसी को गर्मी भी आई, किसी के हाथ से गर्मी निकली नीचे की ओर? ठीक, ये हमारे अंदर 7 चक्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रा। मूलाधार चक्र हमारा इनोसेंस का चक्र है और इनोसेंस में 4 इसकी पंखुड़ियां होती हैं। सबसे पहले है प्योर डिजायर, फिर उसके बाद इसी के अंदर जो प्योर डिजायर है यानी केवल और केवल आप गणेश तत्व तो आपके अंदर जागृत होता, उसी गणेश तत्व से ये सारी चीजें डेवलप होती है। शुद्ध विद्या भी उसी से आएगी, विजडम भी उसी से आएगी और ऑस्पिशियसनेस भी उसी के अंदर से आएगी। केवल एक ही चक्र है हमारा, मूलाधार चक्र। जो स्वाधिष्ठान चक्र है ये शुद्ध विद्या का स्थान है। तीसरा चक्र है हमारा नाभि। नाभि का मतलब ये है टोटल सेटिस्फेक्शन, अधिकतर उससे ऊपर है हृदय। हृदय में तीन चक्र है हमारे यहाँ पर,
लेफ्ट हार्ट, राइट हार्ट और सेंट्रल हार्ट। बात हम हार्ट की कर रहे हैं तो ये हार्ट से शुरू होना है। पांचवा चक्र है हमारा विशुद्धि, जो बोलने की क्षमता है, कम्युनिकेशन। छठा है आर्यचक, क्षमा। सातवां है सहस्त्रार्थ, जो हमारे तालु भाग पर होता है, जो बचपन में गर्म हड्डी होती है, देखेंगे आप छूके तो इससे गर्मी या ठंडक निकलती है, अभी उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो समय को थोड़ा सा हम और इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले है, ये तो हमने क्षमता जी के बारे में देख लिया, चक्रों के बारे में जान लिया हमने, बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं आज हम। इसको करना कैसे है, इसको, ये तो अभी आपने संतुलन पाया है, इसको करना कैसे, अपनी शक्ति को आपको कैसे जागृत करना है, वो बात है। तो इसके लिए हमें लेफ्ट साइड में कुछ प्रार्थनाएं करनी होंगी। अपने सबसे पहले हम लेफ्ट हार्ट पर हाथ रखेंगे, राइट हैंड श्री माता जी का खुला होगा इस प्रकार से। फिर हमारे ये जो स्वादिष्टान चक्र है, यहाँ पर गुरु का तत्व है, इस पर हाथ रखेंगे। और फिर नीचे हम मूलाधार चक्र पर हाथ रखेंगे, मूलाधार और स्वादिष्टान पे। फिर वापस यही गुरु पे, फिर हृदय पे, फिर विशुद्धि पे, आगे से घुमाते हुए इसको पीछे से पकड़ेंगे और फिर आज्ञा से इस प्रकार से थोड़ा सा सर झुकाएंगे, यहाँ पर प्रार्थना कराएंगे और फिर बैक आज्ञा पे इसको सारा वजन इसके हथेली के ऊपर लेते हुए आकाश की ओर देखेंगे, यहाँ पर बंद भी कर लेंगे। और सबसे अंतिम है कि ये जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है हथेली का, इसको बीचों बीच समझ के और अपने जो तालु भाग है इसको प्रेस करते से क्लॉक वाइज 7 times आपको घुमाना है, ठीक है। अगर जो इसमें कोई गलत भी कर रहे हैं हम तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल प्रार्थनाओं का खेल है इसमें सारा। तो आप जो है अपना लेफ्ट हैंड हमेशा श्री माता जी की ओर रखेंगे और अब शुरू करते हैं, ठीक है। हाथ में बंद कर लीजिए, राइट हैंड अपना लेफ्ट हार्ट पर। यहां पर हम 3 बार बोलेंगे श्री माता जी। एक सवाल है, श्री माता जी क्या मैं शुद्ध आत्मा हूं? 3 बार पूछें, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूं? श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूं? अब इसी हाथ को पेट के ऊपरी हिस्से पे जहां पे हमारी पसलियां खत्म होती हैं वहां पर दबाएंगे थोड़ा सा उंगली से और एक प्रार्थना और करेंगे, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? 3 बार पूछेंगे, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? मैं स्वयं का गुरु हूं? अब इसी हाथ को पेट के निचले हिस्से पर रखेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे, यहां पर प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मुझे केवल शुद्ध इच्छा दीजिए, आपको मांगना है। इसको 6 बार हम प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मुझे शुद्ध इच्छा और शुद्ध विद्या दीजिए।
इसी हाथ को पेट के ऊपरी हिस्से पर यहाँ पे 10 बार हम प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूँ। हमें स्वयं का गुरु बनना है, किसी दूसरे का गुरु नहीं बनना। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 बार हम इसको बोलेंगे। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूँ। इसी हाथ को हम लेफ्ट साइड में अपने हृदय पर रखेंगे और 12 बार प्रार्थना करेंगे। शिव माता जी, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। पूरे कॉन्फिडेंस की मुझे शुद्ध इच्छा दीजिए और मैं सभी को क्षमा करता हूँ। तो अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। दूसरे हाथ से चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड शिव माता जी की ओर। यहाँ पे भी गर्म आ रहा है तो प्रार्थना करें। श्री माता जी, मैं सभी को क्षमा करता हूं। तो देखेंगे आपके सर से तुरंत ठंडा ठंडा निकलने लग जाएगा। किसी को कम भी आ रहा होगा कोई बात नहीं, किसी को नहीं भी आएगा कोई बात नहीं, किसी को गर्म भी आ रहा होगा तब भी ठीक है, महसूस होना चाहिए। दोनों हाथ आकाश की ओर और यहाँ पर एक प्रार्थना करें। हे परमात्मा, क्या ये वही शक्ति है जो सारे विश्व को चलाती है? 3 बार पूछें। हे परमात्मा, क्या ये वही शक्ति है जो सारे विश्व को चलाती है? हे परमात्मा, क्या ये वही शक्ति है जो सारे विश्व को चलाती है? हाथ नीचे और धीरे धीरे शिव माता जी के चित्र की ओर देखें। कैसा महसूस कर पा रहे हैं? पहले से बेटर? यही है सेल्फ रियलाइजेशन। इसमें कुछ नहीं करना, केवल अपने साथ जोड़ना है और यही आपके साथ रहेगा। क्योंकि आज की डेट में हम किसी ना किसी वजह से परेशान हैं, सुबह से लेकर सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे बच्चे हों, चाहे कॉलेज हो, कहीं भी देखिए कोई आदमी खुशी से बात ही नहीं करता। ऐसे लगता है जैसे हर आदमी परेशान है। आप देखिए, आपको पूरी तरह निर्विचारिता आ रही होगी। यहाँ पर मैंने कुछ खिलाया ऐसा भी नहीं, कुछ पिलाया ऐसा भी नहीं, केवल आपने केवल अपनी ही शक्ति से प्रार्थना। मैं पैसे से बिजनेस में हूँ और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं पिछले अपनी
दिवाली में फैक्ट्री गया था, मैं केवल ये काम करता हूँ, सारे काम फोन पे हो जाते हैं। तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप खुश रहना आपको चाहिए, ये आपका अधिकार है। दूसरे को क्षमा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी जरूरत है खुश रहना। दूसरा तो हमें परेशानी के अलावा कुछ नहीं देगा, कोई भी हो, एक दूसरे के ऊपर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। आप खुश रहेंगे, आपके मैं यकीन दिलाता हूं, ये पिछले 25 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, सब 90 में मैंने रिलैक्सेशन लिया और 7 साल में ऐसे घूमता रहा, मैंने कहा कुछ और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, इससे अच्छा इस मेडिटेशन के बाद सबसे बड़ी बात है आपकी खोज समाप्त हो जाएगी, आगे खोजेंगे नहीं, बस हो गया। क्योंकि ये शक्ति जो आपके अंदर बैठी है ये अपने आप में संपूर्ण शक्ति है कि आप इससे अपने जितने भी हमारे सूर्य और चंद्र इनको भी नक्षत्रों को आप प्रभावित कर सकते हैं। आप एक बंधन दीजिए, अपनी सारी समस्याएं दूसरे की समस्याएं हल कर सकते हैं। कुंडलिनी का सबसे पहला कार्य है कि वो आपको स्वस्थ रखेगी, उसका कार्य यही शुरू होता है, फिर आपको निर्विचारी देगी, सेटिस्फेक्शन देगी। आप चाहें 50,000 रुपये कमाएं या 5 करोड़ में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, और ये 6 हो जाए फिर 7 हो जाए, सब घूम रहे हैं पैसे के लिए, इसमें शांति के बड़े बड़े शिविर लगते हैं, जंगलों में जा रहे हैं, जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, इसी ग्रस्त जीवन में रहते हुए अपने आप को एक योगी की भांति चलना है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, और वो होगी शिव माता जी की कृपा से, आपका प्रयास और शिव माता जी की कृपा से। जब आप इसमें जुड़ेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, केवल आपको 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को समय मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोनों हाथ खोल के पृथ्वी पे आप बैठ जाइए, सोफे पे बैठिए, खाना खाने से पहले करिए सहज योग, खाना खाने के बाद करिए, नहाने से पहले करिए, नहाने के बाद करिए, आप वेज खाइए नॉन वेज खाइए जो आपकी इच्छा है करिए, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन अपनी कुंडलिनी शक्ति के साथ आपको जोड़ना होगा। और ये चीज है, इसीलिए इसका नाम सहज योग है, बहुत आसान। और आपने रामायण देखी होगी, मैं उसकी एक छोटी सी अगर समय तो फिर चला गए इजाजत हो तो, शिक्षा का समय आ गया है। ये विद्याएं शब्दों की सीमाओं से परे हैं, इनका प्रकाश गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा शिष्य के शक्ति केंद्रों तक सीधा ही पहुंचा देता है। उदाहरण के तौर पर सभी प्राणी लोक द्वारा कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, परंतु उसमें कभी कभी कई जन्म लग जाते हैं, और यदि गुरु की कृपा हो तो उनके स्पर्श मात्र से ही कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ऐसे
कराते हैं। प्रेयर के अंदर 10 मिनट के समय में ये इसके लिए समय देते हैं। और जो बच्चों की जो क्लास है उसके अंदर भी हम करा सकते हैं कि भाई सुबह मान लो 15 मिनट का सेशन उनके लिए रख दिया हमने, ताकि जो आपके बीच और बच्चों के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है हमें उसे फिल करना है। आप पूरी मेहनत से उन बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता उनकी जो इच्छाएं आप कहीं पढ़ा रहे हैं वो बच्चों का माइंड कहीं और चल रहे हैं। और अधिकतर यही प्रॉब्लम आती है, पेरेंट्स भी बच्चों से थोड़े क्या बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर से, डायरेक्टर सर से, कि इसको बच्चों के साथ वन टू वन क्लास में जाके हम कराएं या हॉल में जितने भी आ सकते हैं उसमें कराएं। ये प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें हम ना रुपया लेते हैं और ना देते, ये सदैव फ्री है। आप कहोगे रात को 11 बजे आ जाओ, मैं आ जाऊँगा, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे पेट में दर्द या सर में दर्द है या सोना है, नहीं, क्योंकि मुझे आनंद आता है भाई। जैसे गंगा जी को आप कितना पैसा देते हैं नहाने के लिए, जीरो, सूर्य को जीरो, हवा के लिए जीरो। तो जब परमात्मा की सारी चीजें फ्री है तो उसमें पैसा कैसा। जो सबसे जरूरी चीज वो यही है। लेकिन जैसे ही आपने कहा आप कहीं भी चल दो कहीं भी सो जाओ कोई पैसा नहीं, लेकिन आपने कहा भी ये हिस्सा ये जमीन मेरी, तो वो कहेंगे लाओ पैसे। गर्मी पड़ रही है ठंडक ले ली है एसी चलाओ, बिजली वाले कहेंगे कि लाओ पैसे। मतलब हर चीज के लिए पैसा है, लेकिन परमात्मा की जितनी भी चीजें हैं वो सारी फ्री। तो आपसे निवेदन है, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, आप ही का बेहतर है क्योंकि आप गुरुजन हैं। Thank you so much, sir, for teaching us a wonderful technique of meditation. We will surely keep in touch with you and call you whenever we can, and keep a session for our students also. I would request Director sir to present a memento to our guests as a token of deep respect and gratitude. And support. I once again thank Sri Hari Naresh Ji and all the team from Sahaj Yog Meditation Group for collaborating with us and teaching us a wonderful Sahaj Yoga meditation technique. Thank you all and a happy International Yoga Day.